चलो बच्चों, अभी हमने जब पार्ट ऑफ द असेट्स सेल होता है तो उस केस में हमारा असेट्स अकाउंट कैसा बनता है, डेप्रिसिएशन पर क्या इंपैक्ट आता है। हमने इस पर ऑलरेडी दो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम अभी तक कर चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 इस पर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन भी बेस्ड है पार्ट ऑफ द मशीन या पार्ट ऑफ द असेट्स जब सेल की जाती है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में जब हमें असेट्स का अकाउंट मांगा जाता है तो उसमें हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2016 जुगनू परचेज्ड, कितना प्यारा नाम है जुगनू, जुगनू परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 रुपीज। जुगनू ने एक मशीन परचेज कर ली। मशीन परचेज करने की जर्नल एंट्री अगर बात की जाए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है तो उसमें डेबिट साइड पे टू बैंक आ जाता है। आगे क्या है, ऑन 1 जनवरी 2017 ही परचेज अनदर मशीन, एक और मशीन परचेज हो गई, मशीन टू। पहले जो मशीन परचेज हुई है मशीन वन है, और उसके बाद जो मशीन परचेज हुई मशीन टू हो गई है। 4,45,000 रुपीज एंड स्पेंट ₹15,000 ऑन इट्स इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन। तो जो सेकंड मशीन परचेज की है उसमें 45,000 रुपीज तो मशीन की कॉस्ट है, और उसके बाद 15,000 ₹15,000 और खर्च की, किस बात के, इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन की। और अब तक तो ये आप सबको अच्छे से पता चल गया होगा, जब भी हम असेट्स परचेज करते हैं, असेट्स परचेज करते टाइम पर कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, टैक्सीज हम पे करते हैं तो उसको कैपिटलाइज करते हैं, असेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मींस जो मशीन टू है अकाउंटिंग पर्पस से जब हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे तो 45,000 प्लस 15,000 ₹60,000 में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मशीन टू इसको रिकॉर्ड किया जाएगा ₹60,000 में। क्लियर। आगे बात करता है, ऑन 30 जून 2018 ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ मशीन। इसी तरह के तो क्वेश्चन हमें देखने थे, इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है, पार्ट ऑफ द मशीन सेल हो रहे, पूरी मशीन सेल नहीं हो रही है, पार्ट ऑफ द मशीन। कौन सी मशीन का पार्ट, मशीन वन उसका पार्ट या मशीन टू का पार्ट, कौन सी मशीन का पार्ट, देखते हैं आगे बता देगा। तो पार्ट ऑफ द मशीन सेल हो रही है 54,000 रुपीज की, विच वॉज परचेज्ड। देखो उसने एक और चीज बता दी, विच वॉज परचेज्ड, जब परचेज किया गया था उसको तब उसको 90,000 में परचेज किया था। अब हमने तो दो ही मशीन ली है, एक 240 की है और एक 60 की है, 90 की तो कोई है नहीं। आगे देखते हैं, 4 रुपीज 90,000 ऑन 1 जुलाई 2016। वो कह रहे हैं पार्ट ऑफ द मशीन सेल कर दी, सेल वैल्यू क्या है 54,000 रुपीज। बच्चे ये सेल वैल्यू है, कौन सी मशीन सेल की है, विच वॉज परचेस्ड 4 रुपीज 90,000 ऑन 1 जुलाई 2016। देखते हैं 1 जुलाई 2016 को हमने कौन सी मशीन परचेज की थी। अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट मशीन है, जुगनू ने फर्स्ट मशीन 1 जुलाई 2016 को ही परचेज की थी, लेकिन वो मशीन तो 240 की परचेज की थी। यस, उसी 240 की मशीन में से एक पार्ट हमने सेल कर दिया, और वो जो पार्ट था वो 90,000 रुपीज का था जब ओरिजिनली परचेज किया था। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक कंप्यूटर हम लेते हैं तो कंप्यूटर में मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो हमने पूरे को कंप्यूटर बोल दिया, बाकी
बाद में हमें यूपीएस की जरूरत नहीं है, यूपीएस को सेल कर दिया, बट हमें इंडिविजुअली सबका अमाउंट पता होता है। तो ऐसे ही जो 1 जुलाई 2016 को हमने मशीन परचेज की होगी, वो एक्चुअली में एक मशीन नहीं होगी, उसमें कई मशीन्स होंगी, वो कई मशीन को मिलाकर एक बड़ी मशीन बनी होगी। उसका एक पार्ट हम सेल कर रहे हैं और वो ओरिजिनली परचेज किया था 90,000 रुपीज का। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये जो सेल हो रहा है ये मशीन वन का पार्ट है, क्लियर, और 90,000 रुपीज उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। मुझे ओरिजिनल कॉस्ट तो पता चली गई है, यही मुझे चाहिए होता है, राइट। एट द टाइम ऑफ सेल मैं क्या करूंगा, 240 के दो पार्ट कर दूंगा, एक पार्ट 90,000 और एक रिमेनिंग 1,50,000 रुपीज, और उसकी रेशो मैं देख लूंगा क्या बनती है, उसके बेस पे WDV को हम डिवाइड कर लेंगे। देखते हैं अभी आगे क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन 10% है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और 31 दिसंबर ईच ईयर को हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। अगर 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगता है तो इसका मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला है, कैलेंडर ईयर है, क्लियर। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमें 2018 तक का बताना है। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये सारे जो क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं, जो भी डेट्स हैं, जो भी अमाउंट्स हैं, इन सबको मैंने अपने डायग्राम में रिकॉर्ड कर लिया है, वहां पर पेस्ट कर लिया है, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन पर आने की जरूरत ना पड़े। आप भी अपने शॉर्टकट तरीकों से ये डायग्राम बना सकते हो। चलो तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 10% है और ये इवेंट्स हैं, 2018 तक का हमें अकाउंट्स बनाने को बोला है, क्लियर। अगर मैं इसमें इवेंट काउंट करना चाहूं, अभी हम बेसिक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ नहीं होता, मैं आपको डिटेल में करवाता हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें पहला इवेंट ये है मशीन वन परचेज करने का, उसके बाद सेकेंड इवेंट में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2016, ये पहले आ रहा है। थर्ड इवेंट क्या है, उसके वेरी नेक्स्ट डे एक सेकेंड मशीन परचेज हो रही है, यानी कि ये इवेंट नंबर थ्री हो गया। देन उसके बाद 31 दिसंबर 2017 फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इवेंट नंबर फोर हो गया। उसके बाद जो सेल हो रही है असेट्स, और ये हो रही है 30 जून 2018 को, ये इवेंट नंबर फाइव हो गया। एंड देन उसके बाद हमसे अकाउंट्स मांगे हैं 31 दिसंबर 2018 तक की, तो इवेंट नंबर सिक्स ये हो गया। तो डायग्राम बनाने से मेरे को थोड़ी सी हेल्प ये मिल जाती है कि मेरे सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही नजर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि टोटल इस क्वेश्चन में ये 6 इवेंट हैं और उनकी मुझे सीक्वेंस भी अच्छे से पता चल रहा है कि पहले कौन सा इवेंट, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, कुछ भी मिस होने के चांसेस नहीं है। अब मैं एक एक इवेंट को उठाता रहूंगा और उसको यहां पर ट्रीट करता रहूंगा। सबसे पहला इवेंट मशीन वन परचेज करना। 1 जुलाई 2016 को मशीन वन परचेज की गई है, तो 1 जुलाई 2016 जब भी मशीन परचेज करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, परचेज करने के लिए टू बैंक, जब भी असेट सेल होती है तो बाय बैंक, क्लियर। जर्नल एंट्री क्या बनी, मशीन टू बैंक, राइट, 2,40,000 रुपीज। इवेंट नंबर वन जो है उसको डील कर लिया, परचेज के लिए इतना सही काम करना होता है बस, इवेंट नंबर वन रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद इवेंट नंबर टू, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो पहले फाइनेंशियल ईयर एंड कर देते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड भी अपने आप में एक इवेंट है, क्योंकि
फाइनेंशियल ईयर एंड पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, क्लियर। और 31st दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन्स होती हैं उस पर बच्चे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। हमारे पास इस समय एक ही मशीन है तो एक ही मशीन पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जब भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो टाइम पीरियड का बहुत ध्यान रखना होता है। 2,40,000, 10% का डेप्रिसिएशन है, टाइम पीरियड का ध्यान रखना होता है। ये मशीन बच्चे परचेज की है 1st जुलाई को, तो 1st जुलाई से लेकर 31st दिसंबर तक का कितना टाइम हो जाता है, 6 मंथ्स का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का टाइम हो जाता है। तो यहां पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 2,40,000 का 10% जो आएगा 24,000 रुपीज एंड देन 6 by 12, 12,000 रुपीज ये डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा। तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, अब इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,40,000 माइनस 12,000 2,28,000 रुपीज। क्लियर, फर्स्ट ईयर हमारा क्लोज हो जाता है। बच्चे जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम ओपनिंग ले आते हैं। 1st January 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,28,000 रुपीज। क्लियर बच्चे, सेकंड इवेंट जो था वो भी मैंने डील कर लिया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, थर्ड इवेंट भी क्या है, सिंपल परचेज है। परचेज में तो एक ही काम करना है, टू बैंक, कब है, इसी डेट को, 1st जुलाई को, सॉरी 1st जुलाई नहीं, 1st जनवरी को, 1st जनवरी 2017 एक और मशीन परचेज कर ली है टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा मशीन है तो एक काम करते हैं, मशीन वन मशीन टू, क्लियर। सेकंड मशीन लिए 60,000 रुपीज की, तो थर्ड इवेंट भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे पूरा साल कुछ भी परचेज सेल नहीं है और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। इवेंट नंबर 4, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31st December 2017 को। तो अब क्या करेंगे, ठीक है फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो हमें दो काम करने होते हैं, एक तो बच्चे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और दूसरा क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं। तो दोनों काम कर लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, WDV मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहा जाता है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी एग्जिस्टिंग मशीन है, अब हमारे पास दो मशीन है, मशीन वन एंड मशीन टू, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। मशीन वन पे तो पूरे साल का, क्योंकि वो तो हमारे पास लास्ट ईयर से है, और मशीन टू पे भी 12 मंथ्स का, क्योंकि हमने फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमने इसको परचेज कर लिया, तो ये भी हमारे पास 12 महीने रही ये असेट्स भी। सिंप्लिसिटी के लिए 10% डेप्रिसिएशन था, तो 10% 22,800 रुपए मशीन वन का हो गया और 6,000 रुपीज मशीन टू का हो गया। टोटल मिला के 28,800। ये बच्चे डेप्रिसिएशन हो गया। और बात की जाए क्लोजिंग बैलेंस की,
बाय बैलेंस कैरी डाउन, मशीन वन की बात की जाए तो मशीन वन के लिए जो मशीन वन की ओपनिंग डब्ल्यू डी वी है उसमें से माइनस कर देंगे मशीन वन का डेप्रिसिएशन, 2,28,000 माइनस 22,800 रुपए, 2,05,200। और बात की जाए मशीन टू की तो बच्चे 60,000 में से माइनस कर देंगे 6,000 मशीन टू का डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 6 यानी 54,000। और दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दोनों मशीन्स का 259,200। और ये ईयर हम क्लोज कर देंगे। टू लैख 88,000 यहां तक तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, 4th इवेंट को भी हम क्लोज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट इवेंट 5th इवेंट है जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है। अभी तक तो जो हमने किया ये तो सब बेसिक्स क्वेश्चन में भी था, राइट? जो इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात है, पार्ट ऑफ द असेट्स सोल्ड जब होता है तो क्या होता है, तो वो ये पॉइंट है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अब ये असेट सेल कब हो रही है? 30th June 2018 को। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस तो लिख ही लेते हैं। January 1, 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन वन मशीन टू। अदरवाइज हम क्या देखते थे कि पूरी की पूरी मशीन या तो मशीन वन सेल होती थी या मशीन टू सेल होती थी, है ना? पूरी मशीन सेल होती थी। अगर मशीन वन सेल हो रही है तो मशीन वन की ओपनिंग डब्ल्यू डी वी हमारे पास है तो ये हेल्प करेगी डेप्रिसिएशन निकालने में और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में। अगर मशीन टू सेल होती तो मशीन टू की हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यू डी वी है 54,000 रुपीज, ये हमें हेल्प करती डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में। लेकिन इस क्वेश्चन में मशीन वन और मशीन टू कंप्लीट सेल नहीं हो रही है, मशीन टू तो सेल ही नहीं हो रही है ना, मशीन टू तो सेल ही नहीं हो रही है, मशीन वन का भी एक पार्ट सेल हो रहा है, मशीन वन का एक पार्ट सेल हो रहा है, तो मशीन वन भी पूरी सेल नहीं हो रही है, इसका भी एक पार्ट सेल हो रहा है, कुछ पार्ट बचा रहेगा। तो यहां पर जो हमें मेन चीज समझनी है, जो कैलकुलेशन समझनी है, वो सेग्रीगेशन समझना है कि अब जो हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यू डी वी है 2,05,200 रुपीज, इसको हम कैसे सेग्रीगेट करें, जो पार्ट सेल हो गया और जो पार्ट अनसोल्ड रहा आगे कैरी फॉरवर्ड होगा उसमें, राइट? तो साइड पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के मैं यहां पे आपको सिखा देता हूं। देखो बच्ची, मशीन वन जो सेल करने की बात कर रही है, ये मशीन वन ओरिजिनली परचेज हुई थी 1/7/2016, इसी की तो बात कर रहा है। जो पार्ट सेल हुआ वो कह रहा है ये पार्ट वो सेल हो रहा है जो 1 जुलाई 2016 को लिया था। तो मशीन वन टोटल हमने 2,40,000 रुपीज की ली थी,
क्लियर? ये पूरी सेल नहीं हो रही, इसमें एक पार्ट सेल हो रहा है जो ओरिजिनली परचेज हुआ था 90,000 रुपीज का। तो क्वेश्चन में फिर से दिखाता हूं मैं आपको। ऑन 30 जून 2018 ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 54,000। कितने का बेच रहे हैं? 54,000 का, विच वॉज परचेज फॉर रुपीज 90,000। जब परचेज किया था तब हमने 90,000 का परचेज किया था, जिसको आज हम 54,000 में सेल कर रहे हैं, राइट? कब परचेज किया था? ऑन 1 जुलाई 2016 को। तो 1 जुलाई 2016 को टोटल 270 की परचेज, 240 की परचेज थी। मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूं, अगर एक पार्ट 190 वाला है तो दूसरा पार्ट बच्चे 150 वाला होगा। इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी? इससे मुझे रेशो मिल जाएगी, इससे मुझे रेशो मिल जाएगी 5:3, राइट? 5:3। इसका मतलब एक पार्ट मैं बोल सकता हूं 5 5 / 8 और दूसरा पार्ट हो गया 3 / 8। क्लियर? ये दो पार्ट है, 5:3 या 5 / 8, 3 / 8, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर? अब क्या करना है, हमारे पास मशीन वन की सेल की डेट, सेल की डेट तो 30 जून है। अभी मैं 30 जून की, मेरे पास WDV नहीं है, 30 जून की WDV तो डेप्रिसिएशन माइनस करके निकलेगी, लेकिन मेरे को 30 जून को कुछ पार्ट सेल हो रहे हैं, तो जो पार्ट सेल हो रहा है उस पर डेप्रिसिएशन तो 30 जून को ही निकालना है, और जो पार्ट सेल नहीं हो रहा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, उसका डेप्रिसिएशन जैसे यूजुअली निकलता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अभी के लिए मेरे पास मशीन वन की 1 जुलाई 2018 को WDV क्या है? 2,05,200। 1 जनवरी 2018 2,05,800 रुपये। ये बच्चे WDV है एज ऑन 1 जनवरी 2018। अब क्या करेंगे, यहां पर मैं इसको सेग्रीगेट करूंगा, एक पार्ट जो इसका अनसोल्ड है और एक पार्ट जो सेल हो रहे हैं, राइट? 5/8, ये पार्ट बच्चे अनसोल्ड है, और 3/8 ये पार्ट जो है वो सेल हो रहे हैं। रेशियो कहां से पता चली? ऊपर से मैंने ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पर रेशियो निकाल ली, राइट? अब क्या करना है, इस अमाउंट को 2,05,800, जो ये अमाउंट है, इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरे को WDV मिल जाएगी, सोल्ड पार्ट की भी अनसोल्ड पार्ट की भी। कब, किस डेट की? 1 जनवरी 2018। क्लियर? 2,05,800 / 8 मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 128,625, 128,625। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दूं, 77,175। जो 1 जनवरी जिस ईयर में असेट सेल हो रही है, उस ईयर की जो ओपनिंग WDV है पूरी मशीन की है, लेकिन पार्ट ऑफ द मशीन ड्यूरिंग द ईयर सेल हो रहा है, तो ओपनिंग डेट को पहले मैं दोनों को सेग्रीगेट कर लेता हूं। तो जो ओपनिंग WDV थी मैंने उसको सेग्रीगेट कर लिया कि सोल्ड वाला पार्ट कितना है और अनसोल्ड कितना है। ये दोनों वैल्यूज
ये दोनों वैल्यूज क्या है? ये बच्चे WDV है 1 जनवरी 2018 की। अब हम बात करेंगे पहले सोल्ड वाले पार्ट की। अनसोल्ड वाले पार्ट का कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना। अनसोल्ड वाला पार्ट तो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा तो वहां उसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, जैसे मशीन टू का भी निकालेंगे, राइट। तो ये मशीन वन के ही दो पार्ट हो चुके हैं, तो जो पार्ट सेल हो रहा है मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कब से कब तक का? 1 जनवरी 18 से लेकर, सेल कब हो रहा है बच्चे? ये सेल हो रहा है 30 जून, यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना होगा, क्लियर। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जो भी ओपनिंग WDV होती है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, 77175। इसका 10% बट 6 मंथ्स का, 6/12, हमारे पास आ जाएगा 3858.75। मैं राउंड फिगर में 3859 लेके चल रहा हूं, 3859। ये बच्चे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया। अगर मैं ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेस कर दूं, अब मुझे सेल की डेट, जो सेल की डेट है उसका WDV मिल जाएगी, या हम कह सकते हैं बुक वैल्यू मिल जाएगी, जो मुझे हेल्प करती है प्रॉफिट या लॉस निकालने में। तो ये बच्चे मेरी WDV या बुक वैल्यू है एज ऑन सेल डेट। सेल की डेट तक का भी डेप्रिसिएशन लेस कर दिया ना, सेल की डेट तक का भी 6 महीने का और डेप्रिसिएशन लेस कर दिया 1 जनवरी की जो वैल्यू थी उसमें से। तो वो लेस करने के बाद अब जो वैल्यू है वो WDV एज ऑन 30th जून 2018 है। अब ये सेल कितने का हो रहा है? सेल हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 थी और ये सेल हो रहा है बच्चे 54,000 में। अब हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। सेल वैल्यू 54,000, क्लियर। अब क्या करेंगे? अब हम यहां पर अगर 73,316 बुक वैल्यू वाली असेट्स सेल हो रही है 54,000 में, तो इसका मतलब हमें क्या हो गया बच्चे? हमें लॉस हो गया। कितने का? 19,316 का, 19,316 का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। यही वर्किंग बेसिकली सीखने का पार्ट है इस क्वेश्चन में, यही वर्किंग है जो सीखने का पार्ट है, क्योंकि कंप्लीट मशीन सेल नहीं हो रही है, मशीन का एक पार्ट सेल हो रहा है। तो एट द टाइम ऑफ सेल मुझे उस मशीन के दो पार्ट करने हैं, और वो दो पार्ट किस रेशो में करने हैं? उसी रेशो में जो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट हमें बता दी कि जो पार्ट सेल हो रहा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 है। अगर सेल वाले की ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 है तो 240 माइनस 90 150 रिमेनिंग पार्ट है जो अनसोल्ड है, जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो उसकी हेल्प से मैंने अपने पास रेशो कैलकुलेट कर ली। रेशो मेरे पास आ गई 5:3, यानी 5/8 3/8। और जो अब मेरे पास जिस ईयर में असेट्स को सेल किया जा रहा है उस ईयर की ओपनिंग WDV जो मेरे पास क्वेश्चन में आ चुकी है, ये देखो यहां पर मैंने ये कैलकुलेट की हुई है 2,05,200 रुपीज। ये कंप्लीट मशीन वन की है, कंप्लीट मशीन वन। इसमें सोल्ड वाला पार्ट भी है, इसमें अनसोल्ड वाला पार्ट भी है, दोनों को अलग करना है। तो यहां पर मैं दोनों को अलग कर रहा हूं, 2,05,800 को दो पार्ट कर रहा हूं, उसी रेशियो में जो ओरिजिनल कॉस्ट
से रेशो बनी है, 5/8, 3/8। तो जो पार्ट सेल हुआ उस पर मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, वो क्यों की, क्योंकि मुझे सेल के टाइम पर जो असेट सेल हो रही है उसमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, ये कैलकुलेट हो गया यहां पे, राइट। दूसरा मुझे सेल वैल्यू 54,000 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है वहां पे लिख दूंगा, और तीसरा प्रॉफिट या लॉस मैं ये लिख दूंगा। तीनों चीजें मुझे यहां से मिल गई। अब मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं, 30th June 2018 को। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, उसके बाद बाय बैंक जो सेल हो रही है, और उसके बाद अगर लॉस निकला तो लॉस भी यहां पर आता है। प्रॉफिट निकला होता वो डेबिट साइड पे जाता, लॉस निकला है तो वो भी यहीं पर ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। और ये हमारे पास लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो जो असेट सेल की है उसकी जो तीनों वैल्यू है वो वर्किंग नोट में बन चुकी है, 3859, बैंक 54,000 रुपीस। ये तो 54,000 तो क्वेश्चन में गिवन होता है, बाय बैंक सीधा ही लिख दो, ये हमने कैलकुलेट थोड़ा ना किया है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है बाय बैंक 54,000 रुपीस। हमने तो क्या कैलकुलेट किया, हमने तो एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, क्योंकि ओपनिंग डेट थी 1st January और सेल हो रही है 30th June को, 6 months का जो गैप है, 6 months का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ताकि WDV हम सेल डेट की निकाल पाए, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। अगर 30th जून को सेल हुई 54,000 की, तो 30th जून को उसकी बुक वैल्यू क्या है वो पता होनी चाहिए ना। 6 महीने पहले की बुक वैल्यू उठा लूंगा मैं, उससे थोड़ा ना कंपेयर कर सकता हूं कि 6 महीने पहले मेरी असेट्स की बुक वैल्यू ये थी, आज इतने की सेल हो रही है, तो दोनों का कंपैरिजन कर लो, प्रॉफिट लॉस निकाल लो। ऐसे थोड़ा ना होता है, बराबरी वालों में कंपैरिजन होते हैं ना। तो सेम डेट को, सेल की डेट को, बुक वैल्यू भी सेल डेट की और सेल वैल्यू तो सेल डेट की ही होती है, राइट। तो हमारे पास लॉस आ गया 19316, और अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, जो इसकी WDV वैल्यू थी ऐड करके ये आ जाएगा 77175। इसका मतलब जो हमने असेट्स के दो पार्ट किए थे, 77175 वाला पार्ट डेबिट में और क्रेडिट में आके खत्म हो गया, और ये वाला पार्ट कंटिन्यू चलता रहेगा, क्लियर। अब बच्चे जो यहां पे आपको 2,05,200 रुपीस दिख रहे हैं ना, इसमें से क्रेडिट साइड में ये वाला पार्ट 77175 ये वाला पार्ट सेल हो चुका है, इसलिए ये क्रेडिट में आ गया, हट गया मशीन में से। तो वहां पर रिमेनिंग कितना रह गया होगा, यही रिमेनिंग रह गया होगा 128,625। तो अब ध्यान रखना है, जब ये कैरी ऑन करेंगे और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब, 31/12 को, 31/12/18 को जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो मशीन वन पे पूरे पे डेप्रिसिएशन मत लगा देना 2,05,200 पे, पूरे पे नहीं, इसमें से एक पार्ट 77175 वाला बिक चुका है, जो रिमेनिंग रह गया, और रिमेनिंग कौन सा है, ये वाला 128,625, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मशीन वन के लिए, और मशीन टू पर तो होगा ही होगा, क्लियर। तो 128,625 इसका मुझे 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आएगा 12862.5, यानी कि 12863 कह सकते हैं राउंड फिगर, रिमेनिंग मशीन पर ही डेप्रिसिएशन निकलेगा, जो पार्ट सेल हो गया उस पर नहीं निकलेगा, क्लियर। तो अब सेल की तीनों
चीज जरूरी चीजों को हमने टेक केयर कर लिया था, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा 31/12/2018। देख लेते हैं यही इवेंट आएगा, कहीं कोई और इवेंट तो नहीं है। सेल वाला इवेंट हमने कर लिया, उसके बाद यही इवेंट है, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ, कोई असर परचेस नहीं हुई, कुछ और सेल नहीं हुआ। उसके बाद का इवेंट सिक्स इवेंट है, और वो कौन सा इवेंट है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने का। तो 31/12/2018 को जो भी रिमेनिंग असेट्स हैं उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो बाय डेप्रिसिएशन। मशीन वन का रिमेनिंग पार्ट और मशीन टू तो बच्चे कंप्लीटली पूरा पार्ट, राइट? तो मशीन वन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका डेप्रिसिएशन तो मैंने यहां कैलकुलेट कर ही दिया, 12863। और जो मशीन टू है 54,000 रुपीज की, उस पे 10% डेप्रिसिएशन यानी 5400। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास हो गया 18263। क्लियर? और अब मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल लूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन वन और मशीन टू। मशीन वन का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 205,200 में से 12,863 माइनस मत कर देना, उसमें से तो ऑलरेडी 77175 यहां माइनस हो चुका है, समझ गए? तो कितना पार्ट बचा हुआ था? ये वाला पार्ट बचा हुआ था 128625। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो गया तो हमारे पास कितना अमाउंट बच गया होगा? 128625 माइनस 12863 115762। ये पार्ट बचा होगा। और सेकंड मशीन की बात की जाए तो 54,000 माइनस 5400 48,600। और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 164,362। राइट? अब आप इन दोनों को टोटलिंग कर सकते हो। यहां पर हमारे पास 205,200 माइनस 54,000 151,200, माइनस नहीं करना, ऐड करना 259,200। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो पार्ट है 77175, ये मशीन वन में से जो पार्ट सेल हुआ वो वाला है। तो 77175 तो सीधा निकल गया, यहां से माइनस हो गया, राइट साइड पे आ गया। तो रिमेनिंग जो बचा होगा वो 128625 बचा होगा। क्लियर? उसी पर डेप्रिसिएशन निकला और उसी की हेल्प से डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकला। क्लियर? तो अब हम इन सारी वैल्यू को जब ऐड कर देंगे तो यही आंसर आएगा 259,200। यहीं तक का उसने हमसे अकाउंट मांगा था, लेकिन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ये लिखना जरूरी है, टू बैलेंस ब्रोटो, और बैलेंस है 164,362। यहां बच्चे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सिर्फ यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था जो आप देख रहे हो, 2018 वाला जो ईयर है वही इंपॉर्टेंट था। इसमें दो इवेंट थी, एक इवेंट था सेल होने का, जो ये हमने फर्स्ट थ्री चीजें 30th जून 2018 को बाय डेप्रिसिएशन बाय बैंक बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस निकला, ये इवेंट सेल हुई है पार्ट ऑफ द असेट्स उसका है,
और जो रिमेनिंग बच गई है उनका क्लोजिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन निकाल दिया। दिस इज इट, यही पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था और ये आपका वर्किंग नोट है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं। ये बच्चे कंप्लीट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है विद वर्किंग नोट। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। 3 इयर्स का उसने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मांगा था। 3 इयर्स का हमने मशीनरी अकाउंट यहां पर बना दिया और यहां पर जिस ईयर में वो असेट सेल होगी उस ईयर में कैसे हम WDV को सेग्रीगेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट रेशियो, ओरिजिनल कॉस्ट की जो रेशियो है उसके बेसिस पर। एंड देन जो पार्ट सेल हुआ उस पर 3 चीजें, डेप्रिसिएशन, सेल वैल्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये कैलकुलेट करना होता है। रिमेनिंग पार्ट पे आप यूजुअली जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन निकालते हो वैसे ही एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है।